नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुगा सिंह जी कैथ साहब जुड़ेंगे अभी। आप सभी को वंदन अभिनंदन। मैं कपूराराम मेघसेतु पाली राजस्थान से आज हमारे मंच पर डॉक्टर जोगा सिंह कैथ साहब पंजाब से लाइव जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ में जुड़ने वाले डॉक्टर साहब, जो अपने हाल ही में पुस्तक प्रकाशित हुई है अटपटे सवाल के सटपटे जवाब, उसकी परिचर्चा डॉक्टर साहब करेंगे। अभी अभी हमारे साथ में जुड़ने वाले डॉक्टर साहब, साहब बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार आदरणीय मेघ सेतु जी, पूरा राम जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, विश्व हिंदी साहित्य सृजन मंच पर आपने मेरे को आमंत्रित किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, दूर दूर के, नजदीक के, हर तरह के कवि गणों को आप जोड़ते हैं, साहित्यकारों को आपने एक जगह इकट्ठा किया है और सब लोगों को एक मंच के ऊपर जो है बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलता है, इसलिए आप बहुत अभिवादन के पात्र हैं। साहब सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ और जय भीम कहता हूँ। जय भीम साहब, जय भीम, सबको नमस्कार। जी सर, आपके साथ जुड़कर सर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी, और काफी लोग जी सर, मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि विश्व हिंदू सज्जन सागर मंच पर परम आदरणीय डॉक्टर जुगा सिंह कैथ साहब साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर पर सूरतगढ़ आकाशवाणी केंद्र से मुख्य उद्घोषक से सेवानिवृत्त हैं। हाल निवासी पंजाब के हैं। डॉक्टर साहब मरुभूमि पर आपने कर्म भूमि बनाई, इसके लिए आपने कितना संघर्ष किया और कैसे आपकी ये रही जीवन यात्रा, सबको बताइए सर। जी, मैं आकाशवाणी के बारे में आपने पूछा है और मैंने तो कभी यह भी सोचा नहीं था कि मैं कभी आकाशवाणी स्टेशन देख पाऊंगा, जी सर, सपने में भी नहीं सोचा था कि आकाशवाणी काम करना तो दूर, मैं उसको देख ही पाऊंगा दूर से, ये भी कभी सपने में नहीं सोचा था। जी लेकिन सर, एक ही स्थान पर सबसे बड़ी खुशी की बात है, उसी स्टेशन पर ही मैंने ज्वाइन किया जी और सर, सूरतगढ़ स्टेशन पर ही मेरे को सेवानिवृत्ति का अवसर मिला। कहीं मेरा ट्रांसफर हुआ नहीं, ना ही मैंने करवाया, क्योंकि घर के नजदीक था, इसलिए हाँ ये सर, मेरे को बहुत ही बढ़िया रहा। और आकाशवाणी में आने से पहले
जी सर, यानी कि सूरत घराने से पहले आकाशवाणी नहीं था वहां सूरतगढ़ में, अच्छा मैं जी, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में था, कोऑपरेटिव में। वहां अपना कार्य शुरू किया था मैंने, और जी सर, लगभग 2 साल मैंने वहां कार्य किया, और इस अवधि में ही आकाशवाणी का निर्माण हो गया वहां, और गाने बजने लग गए, टेस्टिंग होती है ना, जी सर, तो वहां जी रेडियो सर, का शौकीन रहा ही था। मैं सुनता था, देश विदेश के स्टेशन भी अच्छा सुनता था, न्यूज विशेषकर जी, छोड़ता नहीं था मैं, जहां से भी मिल जाती थी। तो गाने गाने सुनते थे तो बड़ा आनंद आता था, राधन चलाते रहते थे, टेस्ट करते थे स्टूडियो की और ट्रांसमीटर की। तो ये भी एक खुशी की बात है कि इस अवधि में वो शुरू हो गया और मैं उससे जुड़ गया। पहले तो कुछ जी से सर, वार्ताएं वगैरह थी युववाणी में, 30 रुपए हाँ मेरे सर, को उस समय मिलते थे मानदेय के रूप क्या में। बात कर रहे सर, हाँ जी जी, सर, 30 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी उस जमाने बहुत, में। उस समय सर 30 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी सर, बहुत बड़ी कीमत थी 30 रुपए हाँ की, सर, जी सर, हाँ 25 रुपए की। तो हाँ सर, इस तरीके से क्या कि वैकेंसी निकली, मैंने भी फॉर्म भर दिया, तो वहां 4 लोगों का पोस्टों का था उसके लिए, अच्छा, परीक्षाएं हुई, वॉइस टेस्ट हुई, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, जिसमें देश भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। उसमें राजस्थान से मैं चुना गया, एक मेरे अच्छा साथी अच्छा थे वो बिहार से चुने गए, एक यूपी से चुने गए, और एक मध्य प्रदेश के थे। तो जी, मेरे को तो यूं लगा कि 2 साल मेरे को आउटर पे खड़ा रखा। अच्छा, आउट दूर ऑफ होते इश्यू ही, होने हाँ के कारण, जी। तो दूसरी अच्छा बात यह भी है कि उसी सिटी में ही लगा मैं, दो नौकरियां की और वहीं से हाँ मैं सर, रिटायर हुआ। ये भी एक बड़ी खुशी की बात है जी जी। हाँ सर, इस और हमारे लिए तो तरीके से मेरा गर्व की अपना बात है, आप इतने, जी सर, डॉक्टर साहब परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले अपनी पुस्तक के बारे में, जो आपने चटपटे सवाल के चटपटे जवाब को अपनी पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है, ये बड़ा गर्व है, इससे आप श्रोताओं को इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए और इनके जी कितनी कीमत है, पुस्तक भी सब बताइए। जी वैसे तो जितना भी समय था वो कार्यक्रम बनाने में हमारा निकल जाता था। बहुत अच्छा कार्यक्रम जी, थे, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेशन था, हाँ सर, तो अच्छा, अब पंजाबी भाषी हूं लेकिन राजस्थानी अच्छी बोल लेता था। तो दो अच्छा साल मैंने राजस्थानी में चौपाल कार्यक्रम पेश किया, अच्छा जी, और उसमें भी अच्छी सराहना मिली लोगों की। फिर जो मूल मेरा कार्य था उद्घोषक का, उसमें आ गया, उसमें भी मेरे को बहुत सारे कार्यक्रम मिले, ढेरों कार्यक्रम किए, और जिस कार्यक्रम में हाथ डाला जी सर, तो ये समझ लो कि हाँ सर, उसमें अच्छा सराहना ही सराहना मिली और पसंद किया गया। आज तक भी लोग उन कार्यक्रमों को पसंद करते हैं। जय भारती है, सर, अटपटे सवाल चटपटे जवाब है, ये 30 साल तक तो रेडियो पे प्रसारित हुआ, जी और सर, 12 साल पंजाब केसरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तरी भारत का ही नहीं पूरे भारत का महत्वपूर्ण अखबार है, उसमें मेरे को हाँ स्थान मिला। तो ये एक बहुत अच्छा बड़ी जी, मैं उपलब्धि मानता हूँ, और पंजाब जी केसरी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने लगातार, यानी कि मेरी रिटायरमेंट तक, 14 तक, हाँ सर, मेरे को अच्छा अपने समाचार पत्र में जगह दी। और मजेदार बात यह है कि हिंदी में भी आते थे, पंजाबी जी में सर, भी और उर्दू में भी, हाँ सर, ये 3 भाषाओं में छपा करते थे पंजाब केसरी क्या में। बात, 12-13 साल उसके अंदर छपना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ सर, और इससे पहले कि मैं इस पुस्तक से पहले की जो पुस्तक है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि हाँ सर, उस समय छोटी छोटी कविताएं लिखता था, क्योंकि अभी जहां रहेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही है ना। वहां बहुत ही जी सर, साहित्यकार आते थे, भिन्न जी भिन्न सर, प्रकार के, भांति जी भांति जी प्रकार के साहित्यकारों से मेल मुलाकात होती थी। ओम पारिक जी आ गया, प्रणाम, सादर चरण स्पर्श करता हूँ आपको। मंजू जी भी उपस्थित हैं, कर्नाटक से, कर्नाटका से, स्वागत करती हैं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम जी ने दोनों को नमस्ते कहा है।
तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा बहुत असर तो पड़ने लग गया, तो छोटी छोटी रचनाएं लिखने लग गया, हास्य व्यंग विनोद होता था उसमें। वो पुस्तक मैंने प्रकाशन के लिए भेज दी, तो वो राजस्थान, अपने राजस्थान साहित्य अकादमी बीकानेर, हाँ सर, वहां भेजी, तो वहां से थोड़ा बहुत उसमें सहयोग मिला मेरे को, कुछ जेब से खर्च किया। तो वो मेरी पहली पुस्तक थी, अच्छा उसका नाम था पलकों। उसमें छोटी अच्छा छोटी रचनाएं थी, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद की। यानी कि ये देख लो कि मेरे पास तो एक भी प्रति नहीं छूटी, सब अच्छा लोग अच्छा ले गए। अब और सर और मजेदार, छपवानी पड़ेगी सर। तो इस तरीके से लेखन का कार्यक्रम शुरू हुआ। बाकी तो सारा लेखन का होता ही था, जो भी हमारे यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित होते वो सारे लिखने के बाद ही प्रसारित होते थे। उसमें नाटक भी लिखे, प्ले भी किए, और स्किट भी लिखी, जो लघु नाटिकाएं होती हैं, हास्य व्यंग की लिखी। और एक मजेदार बात और बताएं कि एक सराय के कार्यक्रम होता था आधे घंटे का डेली। सराय के मेरे को आते नहीं थी, लेकिन साहब ने कहा कि भाई आप कर लोगे। मैं जी कर लूंगा, सराय की आती है मगर नहीं आती। कहते फिर कैसे करोगे, मैं सीख लूंगा। तो मेरे मन में कभी ना नहीं आई, जुबान पे ना नहीं आई, जो भी कह सही दिया सही नेट, सीख के कर लेंगे। हम कौन सा सीख के आए, मैं आकाशवाणी में जब आया था कौन सा मैं आकाशवाणी सीख के आया था। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं सीखना यही पड़ता है, और यही हमारे को आगे बढ़ना पड़ता है। मदन सोनल जी भी कहते हैं नमस्ते, और ओम पारिक जी भी कह रहे हैं कि इस मंच ने वास्तव में रचनाकारों को नई दिशा दी है। जी हाँ बिल्कुल, ये चर्चा मैं हम जुड़ने बड़े वाले भाई सभी भी साथियों करते को हैं वंदन करता हूँ। जी, हमारे बड़े बिग भ्राता है। तो हाँ सर, सही। हर इस एक तरीके से साथ ये कमेंट करते कार्यक्रम रहते आगे हैं आप। बढ़ता चला गया। और वहां के भी बहुत सारे सवाल थे, पंजाब केसरी के भी सवाल पड़े हुए थे मेरे पास। अच्छा फिर क्या कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सर सारे दोस्तों के, श्रोताओं के, जो बहुत ही प्यार करते थे, उनके लगातार समाचार आते रहते हैं, अभी तक भी मेरे से जुड़े हुए हैं। और मैं अच्छा जी, दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे श्रोताओं ने मेरे को आज तक रिटायर नहीं होने दिया, रिटायर नहीं होने दिया मेरे को। हाँ सर। अभी हाँ सर वो आपका 2-3 दिन पहले लाइव था, उसमें देखा था, सब श्रोता है वो कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे पुस्तक भेजेंगे। हाँ जी, आप अपनी थोड़ी सी हाँ आवाज सर, बढ़ा लीजिए, मोबाइल की थोड़ी सी कम लग रही है। एक है श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और सराहनीय है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसको आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूंगा मैं कि जैसे जैसे ये फिर मैंने कभी अब रेडियो छोड़ दिया, मैंने अब मैं कहाँ से लेके आऊंगा, क्योंकि सवाल वहां आते थे तो जी पंजाब सर, केसरी भी छूट गया मेरे से, तो दूं कहाँ से। तो ये भी मुसीबत हो गई ना। तो उन्होंने कहा कि जी आजकल मोबाइल का जमाना है, आप फेसबुक पर आ जाइए। तो प्रमोद शर्मा जी बीकानेर में हमारे उद्घोषक है सीनियर, तो उन्होंने उनके साथ में हमने बहुत ही कार्यक्रम किए हैं, तो उन्होंने कहा अपने फेसबुक पे कर लेते हैं। चलो तो ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कि रूप सिंह जी राजपुरी रावत सर के निवासी हैं, और वो भी बड़े भाई हैं, उन्होंने हाँ सर, सहयोग दिया। तो 100 एपिसोड हमने किए, लगभग 2 साल हमने इसको फेसबुक पे चलाया। तो वो सारे अच्छा सवाल लोगों के नाम मेरे पास थे। और अर्चना जैन जी कह रही हैं कि जय जिनेन्द्र भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंदौर से और जुड़ी है सर। हाँ जी चूरू से, वेरी गुड, स्वागत है आपका। और इसमें आगे चल करके ये खूब चला कार्यक्रम, पसंद किया गया लोगों द्वारा। तो मन में आया भी जब किताब छापनी है तो क्या ये आपने प्रोग्राम बंद कर दिया, अब तो जो इतने सवाल आए हैं आपके पास वो छाप दो, हाँ सर, संकलन में रहेंगे, याद रहेंगे, हमारे हाथ में रहेंगे। तो काफी लोगों ने इसके बारे में कहा, तब फिर जाकर के पुस्तक के रूप में मैंने इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया। बाकी सारे कार्यक्रम मेरे रुक गए, क्योंकि फेसबुक के ऊपर मैं 3-4 प्रोग्राम लाइव किया करता था, वो सारे रुक गए। इंद्रजीत सिहाग जी भारतीय भी उपस्थित हो गए, आपका भी स्वागत है। तो साहब अभिनंदन आपको। जी हाँ मैं सियाग साहब आपको अभिनंदन एक, करता हूँ। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभकामनाएं, स्वागत भी करते हैं। तो इस तरीके से इसके पीछे लग गया, तो इसमें मेरे को भी 1.5-2 साल लग गए, सारा संकलन करने में, इकट्ठा करने में, पढ़ने में,
कुछ गलतियां सुधारने में लगभग 2 साल मेरे लग गए। तो तब जाकर के ये कहीं आई, तो मेरे पास संकलन इतना हो गया अटपटे सवाल और चटपटे जवाब का कि ये 5 किताबें छापी जा चुकती हैं, हाँ सर, इतना संकलन हो गया। अब मैं फिर विचार में पड़ गया, मैंने कहा अब क्या करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शुरू में नाम थे बाद में नहीं हाँ है, सर, और कईयों के शुरू में नहीं थे बाद में हैं, तो बड़ा मुसीबत हो गई। फिर भी कोशिश की कि लोगों के नाम उसके अंदर आए, तो नाम सहित अगर छापा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब ये फाइनल हुआ तब जाकर के ये पुस्तक हाँ सर, दिखा रहा हूं मैं, उल्टे अक्षर दिखेंगे आपको, हमारे हाथ हाँ में सर, आप आई है। इतनी बड़ी बड़ी 5 पुस्तकों का मटेरियल पड़ा है, और अब देखते हैं भविष्य क्या कहता है, छपने देगा या नहीं छपने देगा। और आगे एक लिखा है, ओम जी कह रहे हैं कि 50 साल पत्रकारिता की है, लेकिन जोगा सिंह जी हाँ सर, के साथ में चित्र पर आधारित कविता लिखना सीख गया, और इनके साथ हर विषय के कार्यक्रम में हिस्सा लेने में जीवन पुर पुरुषार्थ हो गया। वाकई जोगा सिंह और प्रमोद, आगे कुछ और भी लिखा है आपने, हाँ जी, रूप सिंह जी जैसे लोगों में खूब संवाद होता है, अपनी अवस्था में आनंददायी लगता है मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। तो इस प्रकार से ये पुस्तक के रूप में हमारे सामने आती है, जी सर, और बड़ी खुशी की बात है कि महीना भरी हुआ है मेरे हाथ में आए हुए, हाँ सर, और 100 से ज्यादा लोगों ने प्रतियां मंगवा ली है। जी सर, भारत भर में आपकी पुस्तक प्रकाशित होगी या प्रसारित होगी सर, किसी देखो भी जी अब कहाँ जगह तक से। आए, जहां तक पहुंचेगी। हाँ हाँ सर, और सर मैं भी आपकी पुस्तक के इंतजार में बैठा हुआ है, कल या परसों मिल जाएगी मुझे भी। जी हाँ, आपको मैंने भेज दी है, हाँ और सर, जैसे आपको मिल जाएगी तो बता देना, मैं रसीद आपके साथ लेकर के बैठा हूँ दिखाने के लिए, पढ़ पढ़ी तो नहीं जाएगी। नहीं, मैसेज सर मेरे पास पड़ा हुआ है आपका, आया हुआ है। तो डेली मेरे को लगभग पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, और जितने भी 4-5 लोग मंगवाते हैं उनके पुस्तकें मैं पोस्ट करके आता हूँ। इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि जुड़ रहा हूँ मैं 5 मिनट में। अच्छा जी, मदन सोनल जी कह रहे हैं दोनों वक्ताओं को ओजस्वी वाणी और प्रेरक जी, धन्यवाद। अर्चना जैन जी कह रही हैं कि प्रकाशित होगी, ऐसी मंगल कामनाएं। देखिए जी, देखते हैं जैसे जैसे डिमांड होगी, क्योंकि इसमें आजकल जैसे आप जानते ही हैं कि प्रकाशन का खर्चा भी काफी हो जाता है, तो हाँ सर, पैसा निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ सर, जी अपने तो सर वो मंच की पुस्तक है, वो तो निशुल्क प्रकाशित होगी, और उसके बाद में अगर कोई खरीदना चाहेगा तो ही कीमत उसकी दी जाएगी, नहीं तो पुस्तक अच्छा जी, सब जाएगी। तो कोई फर्म है वो साफ है, छपवा रहा है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित हो रही जी कब है। मैं सर आपसे ये कब 30 तारीख लास्ट है, उसके बाद में उसको भेजेंगे प्रकाशन मंडल को पूरी जानकारी। सर तक? अच्छा जी, एक अच्छा आपसे जी, अनुरोध है, सर आपसे अनुरोध है कि अपने पुस्तक की कॉस्ट कितनी है, और वो पूरा आप बताइए श्रोताओं को, अच्छा, और किस माध्यम से आपको पैसे भेजे। वैसे तो ये मेरी फेसबुक के ऊपर मैंने पूरी जानकारी दे रखी है, जो मेरा टेलीफोन नंबर है वो हाँ सर, उसी पे ही 180 रुपए का UPI कर दें, 180, और अपना एड्रेस, डाक का पता, पिन कोड, टेलीफोन नंबर मेरे को भेज दें, और जिस दिन पैसे आते हैं अगले दिन मैं उसको पोस्ट करवा देता हूँ। जी सर, और नंबर मेरा नोट कर सकते हैं, मैं इसमें लिख देता हूँ हाँ सर, नीचे, यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ जो भी नोट करना चाहे, 9414989423, ये मेरा नंबर है, मैंने कमेंट में डाल दिया है। जी सर, इस नंबर पर UPI कर सकते हैं 180 रुपए का,
और बाय पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से मैं आपको भेज दूंगा। अभी भेजी ही है, जो 100 से अधिक पुस्तकें गई हैं। नंबर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 9414989423। बिल्कुल सरल प्रक्रिया है, और इंद्रजीत जी ने भी मंगवा ली है, इनको भी मैंने भेज दी है, मिल जाएगी। तो जैसे ही मेरे को सूचना मिल जाती है, फोटो खींच के भेज देते हैं तो मैं अपने फेसबुक पे लगा देता हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है लोगों को भी। हाँ जी सर, मैं भी आपकी पुस्तक पढ़ूंगा, उसके बाद में जो समीक्षा करके एक मैसेज या किसी भी तरह से आपके पास भेज दूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, वरना ओम पारिक जी कहते हैं, उस हाँ सर, मैं मंच पर श्रोताओं को कह देता हूँ कि डॉक्टर की पुस्तक 150 रुपए की है, 30 रुपए उसका डाक खर्च है, और पूरा मिला के 180 रुपए है, बहुत सस्ती है। और डॉक्टर साहब की किताब इतनी मस्त है, आप एक बार पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा, गदगद हो जाओगे, अपने जीवन के जी अनुभव लिखेंगे। जी जी सर, ओम पारिक जी आपको एक छोटा सा सुझाव दे रहे हैं प्रश्नवाचक रूप में, कि क्या मंच में मौजूद रचनाओं में छांट कर पुस्तक में प्रकाशित कर दें मंच, अगर मैं उनकी दो रचना ले लूंगा सर, आज तो के आज शायद ही ले लेंगे। रचनाकारों को अलग से नहीं सोचना पड़ता। ये सुझाव जी का बहुत ही अच्छा सुझाव है, और अगर मंच वो तो उन्होंने एक बार जी एक बार मुझे पहले भी मैसेज किया था उन्होंने कि मेरी दो रचना कोई भी ले लो आप, मैं जी ले जी लूंगा आज ही, उनके व्हाट्सएप मंच पर भेज दूंगा। हाँ जी, इंद्रजीत सिहाग भारतीय लिख रहे हैं कि मुझे जोड़िए। जोड़ना पड़ेगा सर, ठीक है, हाँ, मैं कह रहे कोशिश हैं करता कि हूँ। मुझे पहली जोड़िए, बार कुछ आपको कहना चाहते होंगे। मैं सर आपको भी बड़ी मुश्किल से जोड़ा था, इतना मैं ये आपको उसी तरीके से ही, मुश्किल कुछ नहीं हाँ होती सर, है, उसी तरीके से इनको भी जोड़ दो। इनके जो कमेंट दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इनका कमेंट दिखाई दे रहा है आपको, अच्छा इंद्रजीत जी का कमेंट दिखाई दे रहा है? इंद्रजीत जी का कमेंट आपको दिखाई दे रहा है क्या? जुड़ जाएंगे सर, भेज दिए, हाँ रिक्वेस्ट हाँ जुड़ जाएंगे, भेज कोई दिए। दिक्कत नहीं, आकर आ गए ना। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार भारतीय साहब, नमस्कार 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 जी, कैसे हैं आदरणीय सर आप? दौगा सिंह साहब, विश्व हिंदी सृजन सागर मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन व वंदन। इस जी, आपका आंगन में भी। प्रांगण में आपकी हाँ जी हंसी, आपकी आवाज देख करके हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। जो किताब के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैंने मेरे पास पहुंच चुकी है किताब है, और अच्छा, मैं पढ़ चुका हूँ, अच्छी बातें मुझे लगी हैं, मुझे कबीर नजर आ रहा है आप में ही, क्या बात करते हैं सर, और इनको पढ़ करके मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं आपके लिए, तो जी वो पंक्तियां सुनाने के लिए ही मैं आपसे मुखातिब हो रहा था, यानी जुड़ रहा था। जी आपके चरणों में समर्पित कर दूं मैं, और आपके सामने ही बैठ स्वागत करके इसको है लिखने आपका का सर, प्रयास कर रहा स्वागत था। जी सर, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां अटपटे सवाल चटपटे जवाब जो लिखते हैं उसे जोगा सिंह कहते हैं, उसे जोगा सिंह कहते हैं। मुझे कोई और जन्नत का नहीं पता, मुझे कोई और जन्नत का नहीं पता, क्योंकि हम केत के चरणों को ही जन्नत कहते हैं, क्योंकि हम केत के चरणों को ही जन्नत कहते हैं। बहुत धन्यवाद। बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे इतना योग्य तो नहीं हूं, नाम नाम ही जोगा है मेरा। और पंजाबी में एक कहावत है, जीण जोगे से लेके मरण जोगे तक, जीण जोगे से लेके मरण जोगे तक, और क्या है हमारे पास। तो पूरे हमारी राजस्थान में आदरणीय जी, पूरे राजस्थान में आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो,
इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पूरा जी राजस्थान सर बिल्कुल जानता है और आसपास के इलाके हैं वो भी प्राय प्राय जानते हैं आपको। यानी अब तो खैर जो रेडियो का माध्यम है वो कम हो गया, लेकिन जब प्रचलन में था तब तो जी आप वास्तव में मशहूर थे और खूब लोग आपके बारे में सुनते थे, आपकी बातें सुनते थे, आपके प्रोग्राम सुनते थे, देखते थे। और यहाँ तक मेरे पास मैसेज आए थे कि वास्तव में मैंने आपके साथ एक लाइव कार्यक्रम किया था, याद है आप, थोड़े दिन पहले। जी तो लोगों ने कहा कि हमने अब तक 40 45 55 साल की उम्र हमारी हो गई है, लेकिन केत साहब का चेहरा हमने नहीं देखा था, और आप जब लाइव आए थे मेरे साथ जुड़े तब बात मुझे भी धन्यवाद किया था। आपका धन्यवाद क्रेडिट मुझे मिला। बोले पहली जी बार हमने बिल्कुल यानी चेहरा देखा है जोगा सिंह के का, केवल वाणी वाणी सुनी है हमने तो, और चेहरा हमने पहली बार देखा था, इसलिए मेरा धन्यवाद किया था आपके, आपका क्रेडिट मुझे मिला था, ये भी बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य मैं मानता हूं। त्याग साहब जी आपसे अनुरोध है, डॉक्टर साहब की पुस्तक के लिए आप मंच पर कह दो सर, तो आप खरीदने के लिए ताकि त्याग साहब हाँ, जैसे अभी मैंने निवेदन किया है कि जी मैंने टेलीफोन नंबर अपने कमेंट में डाल दिया है, जो भी सज्जन आदरणीय और आदरणीया कवि और कवित्रीगण जो भी हैं इसको मंगवाना चाहें तो उस नंबर पर 180 रुपये का UPI कर दें, और अब मैसेज में मेरे को अपना डाक का पूरा पता पिन कोड सहित भेज दें, और जैसे मान लीजिए आज पैसे आ जाएंगे तो मैं अगले दिन उनको पोस्ट कर देता हूं, अगर छुट्टी ना हो तो। अगर छुट्टी होगी बात है, कभी नहीं होगा तो तो फिर एक हाँ सर दिन लेट हो जाता हमारे मन तो पुस्तक है, सर इतना बड़ा हीरम पुस्तक मिल जाती है, और पुस्तक मिलने की प्रक्रिया है वो भी सिंपल सी है, साधारण सी है। ये हाँ सही मुझे पुस्तक मिली थी तो मैंने UPI किया था, और 150 रुपये तो इनकी मूल लागत है, और 30 रुपये हाँ जो सर डाक खर्च है वो इसमें जोड़ा गया है, यानी कुल मिला के 180 रुपये इस पुस्तक के हैं। और तीसरे दिन मेरे पास से पुस्तक पहुंच गई थी, कोई परेशानी नहीं आई थी, और जी सर मेरे पास से पहुंची थी, उनमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगा था। और जो मैंने एड्रेस भेजा आपके व्हाट्सएप नंबर पर है, तो उस प्रकार से आप भेज दूंगा, आपके नंबर है मंच पर है, तो आसानी से आप व्हाट्सएप पर है, जो डॉक्टर जोगा सिंह केत का व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपना एड्रेस भेज सकते हैं, और साथ में पिन कोड मोबाइल नंबर आप अवश्य भेजें, ताकि किसी प्रकार की कोई दुविधा हो तो आपसे संपर्क किया जा सके, और पढ़ने में आनंद आएगा। वास्तव में अच्छी चीजें हैं, दिखने में वैसे साधारण है लेकिन उसका ज्ञान है वो बहुत गहराई में जाता है, यानी गागर में सागर अगर मैं कहूं तो ये स्टिक बैठता है आपकी पुस्तक पर। अच्छी बात लिखी है आपने, और साधारणतः शब्दों में समझाया है, कठिन शैली नहीं है आपकी, शैली भी आसान है। तो जी सर आपकी पुस्तक प्रकाशित होने के लिए, और चर्चा भी हुई थी कि मैंने जो पुस्तकों की संख्या मंगवाई है शायद निकलेगी या नहीं निकलेगी, मैंने कहा कि इस प्रकार से आपकी पुस्तक निकलेगी तो वास्तव में आपको एक बार फिर से मंगवाना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपके पास पुस्तक की कमी आ गई होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं आई तो आने वाले दिनों में आ जाएगी, यानी पूरी पुस्तकें आपकी निकलेगी सभी, और मंगवानी पड़ेगी आपको। लोगों को बहुत चाव है, लोगों की रुचि बहुत है आपके प्रति, आपकी पुस्तक के प्रति, पढ़ करके सब लोग पसंद जी करते हैं, तो आपकी सुंदर और अद्वितीय द्वितीय जो प्रथम जो पुस्तक आपकी निकली है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी प्रेम श्रीवास्तव जी का मैसेज आ रहा है, लिख रहे हैं कि आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कार्यक्रम में योगदान सराहनीय है, क्या इस पुस्तक में मैं शामिल हूं? प्रेम श्रीवास्तव ने लिखा है, इन्होंने अपना टेलीफोन नंबर भी लिखा है। तो प्रेम जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या का मैंने हल किया है कि जितने लोगों के नाम इसमें शामिल हुए हैं वो मैंने मेरे फेसबुक के ऊपर लिख करके डाल रखे हैं, कई दिनों से चल रहे हैं,
उनमें आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं, और अगर आपका नाम होगा तो फिर कहने की क्या बात है, और अगर ना भी होगा तो दूसरों के विचारों को पढ़ने में क्या दिक्कत है, जरूर पढ़ना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ, क्योंकि आप दोनों साहित्य से जुड़े हुए और साहित्यकारों से जुड़े हुए बैठे हुए हैं सामने विद्वान, तो जो साहित्यिक शब्द हम बोलते हैं इसके बारे में कुछ लाइनें मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि साहित्य एक बहते जल की तरह होता है। जी सर। साहित्य जो है ये बहते हुए जल की तरह होता है, इसके बहुत रंग रूप और बहुत उसके कार्य होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, हर प्रकार के होते हैं, कहीं पवित्र भी होता है, कहीं मैला भी होता है, हर प्रकार का होता है। और हर रचनाकार उसमें से क्या चुन ले और छान कर हमें पिला दे अपनी रचना के माध्यम से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात यह है कि हर रचनाकार का अपना एक दृष्टि होती है, लिखने की लेखन की दृष्टि होती है। कोई कविता के रूप में लिखता है, कोई लेख के रूप में लिखता है, कोई गीत गजल नज्म कथा वगैरह किसी भी रूप में दिया जा सकता है, क्योंकि जल बह रहा है नदी, और अगर फैल गया चारों तरफ तो पहाड़ बन गया, रुक गया कहीं तो झील बन गया, और करते करते चलते चलते कभी इधर अठखेलियां खाता है, कभी उधर खाता है, कभी लहरें उठती हैं, कभी कुछ होता है, कभी शांत पड़ा रहता है। बहुत रंग रूप पानी के होते हैं, और वही रंग रूप हमारे साहित्य के होते ही हैं। वो फिर हमें किसी न किसी रूप में हमारे सामने, जैसे कि पुस्तकों के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं। और आजकल जितने भी आपके इस मंच से जुड़े हुए आदरणीय और आदरणीय लेखक और लेखिकाएं हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को नवीनता की तरफ लेकर के जाएं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि लगभग क्या है कि वही हिसाब किताब जैसे पुराना चला आ रहा है, तो उसी के रूप में ही एक, यानी कि तालाब जैसे होता है ना, ये भी एक रचना का रूप है कि तालाब की तरह आप ठहरे हुए हैं, उसी की ही बातें लिखे जा रहे हैं, उन्हीं की ही बातें पढ़े जा रहे हैं, सदियों से वही लिखी जा रही है। थोड़ा भिन्न भी तो होना चाहिए, जैसे दूरबीन होती है, जो राइटर है वो दूरबीन की तरह होना चाहिए। अब आपने अपने मोबाइल का कैमरा मेरे पे फोकस कर रखा है, तो मैं ही आपको दिखाई दूंगा। अभी थोड़ा सा आपने इंद्र को घुमाया तो इंद्रजीत जी भी नजर आने लग गए, थोड़ा और घुमाएंगे कुछ और भी नजर आने लग जाएगा। तो जैसे जैसे हम कोण बदलेंगे, वैसे वैसे इस साहित्यिक रचना का रस बदलता है, रूप स्वरूप बदलता है। और रूप सिंह जी ने भी अपने इन शब्दों का प्रयोग किया है, इसमें पुस्तक में छपा हुआ है ये, कि ये विदा है, एक साहित्यिक विदा है, ये नई एक विधा रची गई है, नई विधा बन गई है। तो इसी तरीके से क्या है कि हम नवीनता की ओर बढ़े, ये मेरा सभी साहित्यकार साथियों के साथ विनम्र निवेदन है कि रूढ़िवादी रचनाओं को त्यागो, बहुत लिखा जा चुका है, कुछ नए दृष्टिकोण से लिखिए, ताकि कुछ, क्योंकि देखने का काम जो है लगभग लगभग समाज है हमारा, वो राइटरों के ऊपर डाल देता है कि भाई राइटरों का काम है ये, तो नया सोचना, नया करना, नया लिखना, नया कुछ करना। तो अगर हम ही एक तालाब की भांति पड़े रहे, तालाब में ही तैरते रहे, तो हम आने वाली पीढ़ी को नया क्या देके जाएंगे। हर साहित्यकार को, राइटर को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें ये एक पुस्तक ऐसी है, आज तक आपने किसी पुस्तक के अंदर ये राइटर का निवेदन नहीं पढ़ा होगा कि पुस्तक आप कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इस पुस्तक को आप कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका बता रखा है। तो ये कई मित्रों ने मेरे को बताया भी, ये लिखा हुआ है यहाँ फोटो के नीचे कि इस पुस्तक को पढ़ना कैसे है। अब ये पढ़ने का भी तरीका होता है, कोई बिल्कुल होता है, हर पुस्तक को पढ़ने का अपना तरीका होता है। और इसका तरीका ये है कि पहले तो सवाल पढ़ें,
उत्तर मत पढ़ो, उत्तर जी सोचो, सर। एक उत्तर सोचो, दो सोचो, तीन सोचो, चार सोचो, पांच। अगर आप मित्र मंडली में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, तो सबसे पूछो कि भाई ये सवाल आया है तो इसका क्या जवाब हो सकता है। गलत कोई नहीं होता, जवाब सारे सही ही होते हैं। और सारे जब सही चार होते हैं। पांच सवाल के जवाब आपके पास आ गए, एक सवाल के चार पांच जवाब आपके पास आ गए, फिर ये मेरा उत्तर पढ़ो, तब आपको मजा आएगा। अरे ये भी हो सकता है क्या इसका उत्तर? अब जैसे पता नहीं किसी सज्जन ने एक सवाल पूछ लिया, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, इसी में छपा हुआ है। सर अब आप दो जने बैठे हुए हैं विद्वान, और बहुत सारे विद्वान सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो भी सोचें, सोच लिया होगा सब लोगों ने। सबसे, हाँ सर, मैं सर बताऊँ बोल। सर, मेरे हिसाब से हाँ सर सबसे हाँ ये फोन बहुत झूठ बुला रहा है सर, ज्यादा तो नहीं, बुला रहा नहीं है, बोलता हाँ कौन है, फोन हो चाहे नहीं हो। सही अब ये बात सर। आपकी ठीक है कुछ हद तक, ये भी नवीनता है, और हो सकता है नोहरी साहब कुछ और उत्तर दें, फिर हाँ क्या जो सर, मैंने उत्तर आपका अलग दिया वो होगा सर बताऊंगा। उनका। सबसे ज्यादा झूठ महिलाएं, मेरा आइडिया है। अच्छा जी, ये भी गलत नहीं है, चलो कुछ हद तक हाँ मान लेते हैं आपको भी। और मंजू जी का जवाब आया है मंदिर जी कर्नाटक से, जीभ, देख रहे हैं सर। इनका उत्तर आया है जीभ। हाँ सर, ये और भी ये भी लिखती है साथ में कि प्रस्तुति बहुत बढ़िया है आप लोगों की, आज वीडियो चल रही है। तो मंजू जी काफी नजदीक पहुंच गई हैं मेरे जवाब के। हाँ दुनिया सर। में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला होता है मुंह, मुंह ही बोलता है, क्योंकि हमारा और कोई अंग प्रत्यंग तो बोलता ही नहीं हाँ सही सर। है। तो इस तरीके से जब आप इसको पढ़ेंगे तो, हाँ जी, ओम पारवी जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा झूठ इनका बोलता है, आदत से मजबूर। भी सही तो इस तरीके से ये पढ़ने का तरीका भी, इसमें शायद ये पहली पुस्तक होगी कि जिसके अंदर है। इसको पढ़ने का तरीका भी बताया गया है, और इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। और एक मित्र के पास गया दाढ़ी बनवाने, मंजू कर्नाटक जी लिखती हैं, सिहाग जी नेता पुरुष, धन्यवाद पुरुष आपका। झूठ बोल रहे, चलो जी, शुक्रिया एक नई पदवी मिल गई, बहुत अच्छी बात है। तो नवीनता तो मैं आई ना मंजू जी अपनी को बात सुनकर। अभिनंदन करता, जी मंजू जी को जी अभिनंदन बिल्कुल, करता। बहुत हाँ दूर बहुत से बहुत देख रही आभार हैं। हाँ मंजू का। जी, इनसे देखो टेलीफोन पे भी आप, चर्चा हो चुकी है मेरी एक दो बार। हाँ अच्छा, सर, अभी कुछ और बीच में थोड़ा सा समय निकला जब तक पुस्तक प्रकाशित हो रही थी, तो विचार थोड़े ही रुकते हैं, विचार रुकते नहीं हैं, वो निरंतर चलते रहते हैं, पानी के भाव की तरह बहते रहते हैं। उनमें से कौन से हमने चुनने हैं, कौन से हमने बहने देने हैं, छोड़ देने हैं, ये हमारी मर्जी के ऊपर है। और उनको अगर हम स्याही बना करके अपनी लेखनी में डाल दें तो कोई ना कोई पुस्तक का निर्माण हो जाता है, कोई ना कोई रचना का निर्माण हो जाता है, और इस तरीके से हमारा रचना कर्म जो है वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उन सारी जो तथ्य हैं उनको उसमें शामिल करना पड़ता है स्याही डाल के रूप में। तो इस तरीके से क्या है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां तक बात आगे लिखने की है, तो नवीनता इसके अंदर बहुत जरूरी होनी चाहिए, ताकि मंजू जी ने कहा कि जरूरी नहीं कि महिलाएं ही झूठ बोलते हैं, पुरुष उस और ज्यादा झूठ बोलते हैं। ठीक है जी, आखिर ये तो नोक होता ही है। हाँ झोंक तो बराबर सही चलती रहनी चाहिए, इसके बिना बात है। भी तो नहीं है ना लेकिन जिंदगी। सर एक ही सिक्के पे सर दो पहलू है, महिला पुरुष के। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तभी तो बात बनती है ना, हाँ है सर, कि नहीं? सर हाँ, जी सर, तो सिर्फ प्यार के सहारे जिंदगी नहीं कटती, थोड़ी नोक झोंक भी होनी चाहिए जिंदगी के लिए, है कि नहीं? तो इन पुस्तकों में, इसमें जो खासकर यही सबसे बढ़िया है, और राइटरों के लिए तो बहुत पसंद की गई है, जिन राइटर्स ने मंगवाई है,
उन्होंने कहा कि जी हमारा तो आपने लेखन का रुख ही मोड़ दिया, ये भी कमेंट आए हैं। हालांकि उन्होंने लाइव तो नहीं दिए, और ओम जी कह रहे हैं कि पुरुष झूठे तो नहीं होते हैं, लेकिन मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है। चलो जी, कुछ भी है, मजबूरी हो चाहे थोड़ा बहुत तो सब चलता ही है। जी सर, हमने हमने 2-3 प्रश्न बनाए थे आपके लिए सर। अच्छा, पहले तो पूछ रहे थे। हाँ सर, 2-3 प्रश्न डॉक्टर साहब को पूछेंगे अपने जीवन के बारे में। हाँ जी, पूछो सवाल। सर पहला प्रश्न तो ये है कि आप इस मुकाम तक पहुंचे तो इसके अंदर कितना संघर्ष किया और अपने कठिनाई को कैसे हल किया सर? एक प्रश्न तो ये। ये तो बहुत ही भारी क्वेश्चन पूछ लिया आपने, लंबा थोड़ा 8-10 किलोमीटर। हाँ, 8-10 किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर तो गांव से स्कूल आता था पैदल, हाँ सर, बैग उठा करके। फिर खेत में भी काम करते थे, काम करते हुए स्कूल का टाइम हो गया, बैग उठाया, स्कूल भाग लिए हैं। और इंटरवल होता था, उसके अंदर होमवर्क कर लेते थे, क्योंकि घर जाके तो होमवर्क करने का समय नहीं मिलता था। उस टाइम लाइट बत्ती भी हमारे जमाने में बहुत ही कम होती थी, बिजलियां बिजलियां बहुत कम थी, तो ये भी बड़ी मुश्किल थी। खेत के काम भी करने पड़ते थे, और भी काम करने पड़ते थे, घर परिवार के भी, लकड़ी भी लानी पड़ती थी, पानी भी ढोना पड़ता था, नल नहीं लगे हुए थे कहीं कहीं, तो ये मुसीबत जो है ये हर जगह है, निरंतर चलती रहती है। जी आगे सर प्रश्न है, आपको ऐसे कौन सा मतलब हाथी था जो आपको सपोर्ट करता था कि नहीं मुझे आगे बढ़ना, या कोई जी आपके सपोर्टर मतलब आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए किनको आप श्रेय देते थे? अच्छा, ये मेरे माता पिता हैं जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मेहनत करके मेरे को पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया मेरे परिवार ने, उनका सबका सहयोग है। और क्योंकि इसके साथ साथ जो हमारे गुरुजन हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही सपोर्टिव थे। उस समय जो गुरुजन थे, ये ट्यूशन ट्यूशन के चक्कर उस टाइम नहीं होते थे, और अगर कोई स्टूडेंट भूले भटके किसी गुरु के घर चला जाता, गुरुजी मेरे को ये सवाल समझ में नहीं आया, तो गुरुजी इतना खुश होते थे कि अगर उनके अंदर थोड़ी सी उछलने की पावर होती तो छत तक उछल जाते, इतना खुश होते थे, इतनी खुशी से हमें पाठ पढ़ाते थे, बताते थे कि बेटे जब चाहे आ जाओ, रात को आधी रात को आओ, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा जीवन था उस समय। जी गुरु जी को सदैव देते हो दादा जोगा सिंह जी, लास्ट बात, आपकी जो पुस्तक है उनकी जो शैली है वो तो साहित्य जगत में एक नया प्रयोग तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी शैली का एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब हम किसी से पूछते हैं कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो जवाब यानी उत्तर मिलता है हमें कि टाइम पास हो रहा है। तो टाइम पास हो रहा है ऐसा ही हम क्यों बोलते हैं, और इससे अलावा कोई और क्यों नहीं बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है टाइम पास हो रहा है? क्योंकि वो समय का सबसे अच्छा सदुपयोग कर रहा है। बहुत से लोग तो टाइम देखते ही नहीं है, मेरे जैसे तो टाइम देखते नहीं है, वो तो लगे रहते हैं काम में, वो काम में इतने उलझे रहते हैं उनको टाइम देखने का टाइम ही नहीं मिलता। और जिनको टाइम देखने का टाइम मिल जाता है, इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं करते। और आपके प्रश्न में से एक प्रश्न और निकलता है, उसका भी मैं उत्तर दे चुका हूं पहले किसी प्रोग्राम में, और अमूमन मैं बाजार में भी देता हूं, जब भी दो जने मिलते हैं, और भाई कैसे हो, बस ठीक है। मैंने कहा भैया तेरे हाल चाल पूछना है, तेरे बस के नहीं पूछे। बस ये आपके सवाल में से एक और नवीनता निकल आई। अब आपसे पूछू, हाँ जी नौरी जी कैसे हैं? बस ठीक है। अरे भैया बस के बारे में थोड़े पूछा है, बस जाने रोडवेज वाले जाने अपने बारे में। जी सर। तो इस तरीके से जब हम थोड़ा सा एंगल बदलते रहे अपने दूरबीन का,
निश्चित रूप से आपके पुस्तक का एक प्रश्न मैं रख रहा हूं श्रोताओं के सामने और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। प्रश्न ये था कि मच्छर दिन ढलने के बाद ही क्यों आते हैं। पन्नाराम मारवाल का ये प्रश्न पूछा गया है आपसे और आपने अपने पुस्तक में इन्हें सेट किया है यानी प्रकाशित किया है। उसका उत्तर आपकी तरफ से मिला है, जवाब मिला है कि आप भी तो दिन ढलने के बाद ही मच्छरों को घर पर मिलते हो। मच्छर शाम को ही क्यों काटते हैं, दिन में क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि आप शाम को आते हो घर में। हाँ सर बिल्कुल। हाँ भी जब होंगे तभी तो काटेंगे ना, दिन भर तो आपको ढूंढते रहते हैं बेचारे, कहीं ना कहीं हाँ छुपे हुए इंतजार करते हैं भूखे प्यासे, है कि नहीं? हाँ, इसी से जुड़ता हुआ सर जिसने सवाल पूछा था कि डॉक्टर ने मेरे खून की कमी बताई है, किसका पीऊं? मैं कहा मच्छर का पियो, क्योंकि वो सारी रात खून पीता है, उसके पास ब्लड बैंक है पूरा, ठीक है। आप पीने की बात कही तो उससे ही पीना पड़ेगा, पिया थोड़ी आता है खून है। नहीं, तो अपनी भाषा में तो हम पीने ही बोल रहे हैं, तभी तो वो खून पिएगा तो उसका खून बढ़ेगा ना। एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं, मनोरंजनात्मक प्रश्न है आपकी पुस्तक का ही है। दंजू 34 एड से उन्होंने प्रश्न किया कि सर्दियों में मर्द लाख चाहे फिर भी औरत की बराबरी नहीं कर सका, वह क्या चीज है? एक बार फिर से प्रश्न है कि सर्दियों से मर्द लाख चाहे फिर भी औरत की बराबरी नहीं कर सका, वह क्या चीज है? तो आपका जवाब मिला उन्हें, नहीं कहने में कभी बराबरी नहीं कर सकता, उसे हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, उसे हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। बराबरी तो नहीं कर सकता। मिलानी पड़ती है जी। हाँ वैसे इसका जब आदमी प्रश्न मेरे पास पहुंचाता है, वो पहले मन में उनके सवाल होता है। एक बात बिल्कुल और होता मैं है। दूसरी बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप दो महापुरुष बैठे हुए हैं, आपके मन में कोई प्रश्न उठा, वो प्रश्न कब उठता है ये भी किसी ने सवाल पूछा था। मैंने कहा जब उसका जवाब आपके पास होता है तब आपके मन में सवाल उठता है। तो इसलिए महिला के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो सवाल पूछेगी उसका उत्तर वो पहले से जानती है। तो सर आप सभी के सानिध्य में हम सभी युवा वर्ग जुड़े हुए हैं। सर अब अपने मंच पर आपके सानिध्य में हम सभी युवा वर्ग एडमिन में जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं मंच पर सफल बनाने के लिए। बिल्कुल जी, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। हाँ सर, और मेरा सर अंतिम सवाल यही था सर कि मंच के लिए संदेश आपका अंतिम सवाल यही है, आशीर्वाद। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे तीन शब्द होते हैं जी, हाँ सर। पहला है स्वस्थ रहो, हाँ सर। दूसरा है व्यस्त रहो, जी सर। और तीसरा है मस्त रहो। ये तीन बातें मैं कहता हूं, अगर आप स्वस्थ हैं तो व्यस्त रहेंगे, व्यस्त हैं तो आगे का तीसरा कदम आप उठाएंगे, नहीं मस्त रहेंगे। और ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं तो कोई भी आपकी सफलता के आड़े नहीं आ सकता। दूसरी बात यह है कि अभी हमारी जितनी भी चर्चा हुई है इसके अंदर मैंने संकेत दे दिए हैं कि जितना कुछ आप नवीन रचना रचेंगे उतना ही ज्यादा पसंद किए जाएंगे, और कुछ अलग हटकर के होना चाहिए। तो मैं बीच में वो फिर से याद आ गई, नाई के पास शेव करवाने गया तो पुस्तक मेरे हाथ में ही थी, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? मैं कहा जी हाथी है। कहते हाथी किताब है ये तो। मैं फिर मैंने क्यों पूछ रहे भाई,
इतने में कोई दूसरा बैठा इंतजार कर रहा था तो उसने पकड़ दी, वो पढ़ पढ़ के हंसने लग गया। तीन चार जने और बैठे थे, मैं कहा तू इसको यहीं रख ले, इंतजार करने वाले ग्राहक है ना जो, उनके काम आएगी। अब वो पुस्तक जो है उसके दोनों की दुकान पे पड़ी रहती है। जो भी ग्राहक आता है उसको पता नहीं लगता कि मैं कितनी देर से, आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, इसको पढ़ देता है तब तक तो। और साथ में क्या है कि एक इसके अंदर कुछ नवीनता होनी चाहिए जो इसमें डालने की कोशिश की, स्वतः ही आती है। एक सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए था कि इतने सवालों के जवाब दे कैसे देते हो। करोड़ों सवालों के जवाब दे चुका हूँ, 30 साल तक जवाब देता रहा, वो तो कम नहीं होते हैं। कितने सवाल आ गए होंगे मेरे पास, जी सर, और इतने तो मेरे को अभी याद, ध्यान में भी नहीं है, याद भी नहीं है, और उनकी स्क्रिप्ट भी नहीं है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है वो तो आकाशवाणी में रह जाती है। हाँ सर, और ये आती है जब आप नवीन सोचेंगे। सवाल आ गया मेरे पास, आते ही वो अपने साथ जवाब लेकर के आता है, खाली नहीं आता। अब आप पूछेंगे जी वो कैसे, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ सर, आपने सवाल मेरे को यूं करके दिखा दिया, मैं उसको पलट के देखता हूं, उधर पीछे उसके उत्तर लिखा होता है, जवाब दे देता हूं। कहते कि आप तो प्रत्युत्पन्न मति हो। मैंने कहा भैया ये साहित्यिक शब्द है, कुछ भी कह सकते हैं। जी सर, तो मुद्दा ये है कि हम पलट के नहीं देखते भाई, इधर चेके का पहलू है तो इधर भी तो है ना, उसको पलट के देखो। हाँ आप सही सर, पलटेंगे तो आपको नई चीज दिखेगी और उसका जवाब मिल जाएगा। और एक सज्जन एक सर ने, हमारे हाँ जी एक सर जी हमारे मंच पर कार्यक्रम जारी कर रहे हैं, त्याग साहब अभी 2-3 दिन में कर देंगे साक्षात्कार किसी सज्जन का, सज्जन का बुला के साक्षात्कार शुरुआत कर रहे हैं। आज जैसे आज आपने शुरू कर ही दिया, हाँ ये सर, ये पहले तो भी किया। आपके वो ये तो सर आपके पुस्तक के बारे में ही था सर, साक्षात्कार अच्छा तो के लिए तो त्याग साहब आपको अलग से बुलाएंगे। हाँ और बाप रे, मैंने तो सारा कुछ ही बता दिया, मतलब नया तो मेरे पास कोई कहां से लाऊंगा मैं। अगर आप फ्री होंगे तो आए हुए, नहीं तो आपका आशीर्वाद भी काफी है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मैं जैसे ही आप आदेश करेंगे मैं उपस्थित रहूंगा। और मेरे को बड़ी खुशी है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, और बड़ी मुश्किल जगहों पे आप रहते हैं हाँ और सर, ऐसी स्थिति के अंदर आप जो है इतना महत्ती कार्यक्रम कर रहे हैं, साहित्य सेवा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से क्या है कि इसमें जितने भी साहित्यकार जुड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से अनूठे हैं, जी सर, उनमें वो नया, नए युवाओं के साथ जुड़ के ही वो नया कुछ सोचने की हिम्मत कर सकते हैं, पुराने लोगों के साथ जुड़ के नहीं। जी आप सभी के सर आशीर्वाद हो तो त्याग साहब अब कार्यक्रम को आप समाप्त करने की घोषणा करें, या आपको बिल्कुल जी, त्याग साहब अगर आप त्याग साहब आप अगर कोई कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं फिर उसके बाद। हो गया मेरा तो एक, चलो प्रश्न पूछ लेता हूँ और उसके बाद में हाँ समापन सर, की घोषणा कर हाँ देते सर, हैं। प्रभा जी सिंह जी हाँ सर, शैली का ही है नया प्रयोग, अगर धरती नहीं होती तो हमें जीवन यापन करने के लिए पानी में रहना पड़ता, तो पानी में रह करके हम क्या करते, यानी ऐसा जीवन हो पाता या नहीं हो पाता, अगर धरती नहीं होती तो हमें यानी पानी में रहते तो कैसे रहते, ये विकास हो जाता बहुत है अच्छा इतना सवाल अपना पानी पूछ लिया आपने कि जब धरती नहीं होती और हम पानी में रहते, तो जब पानी धरती होता। नहीं थी तो पानी कहां से आता उसमें, नहीं सर, और ना हम होते इन्होंने तो। वो सागर सागर के जैसे मतलब पूछा, वो एक सर वो पंक्ति नहीं है, मैं जल में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, ऐसे हमें इस तरह का प्रश्न पूछा है। डॉक्टर नहीं, पहले आप साहब कीजिए। काफी एक अच्छी जानकारी दी है कि भी धरातल नहीं होगा तो फिर पानी भी नहीं आएगा। जब धरती, कह हाँ रहे हैं कि जब धरती ही नहीं हाँ है, तो हाँ समझ जब गया मैं, धरती ही नहीं है तो फिर पानी कहां से आएगा, तो हमारे बिल्कुल रहने सर, और हम करने का तो झंझट ही खत्म हो गया ना।
जो मैंने सोचा वो ही मुश्किल मिला है। उत्तर तो। जी अच्छा सर, सवाल पूछा आपने। हमारे हाँ सर, हमारे सर आजाद साहब देख रहे हैं, आपके प्रशंसक रहे और श्रोता भी रहे हुए हैं पहले से। लोकेश कुमार जी मीणा बहुत बहुत आजाद सर धन्यवाद। बूंदी के हैं, हमारे मंच के सलाहकार हैं। अच्छा जी, हाँ बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद, नमस्कार। और मैं एक बात और कहूंगा, कुछ नवी है, नई है। हाँ सर, मैं किसी को लंबी उम्र की दुआ नहीं देता, लंबी उम्र की शुभकामनाएं नहीं देता। जी सर, मैं कहता हूं, सोचता हूं, कहता भी हूं मित्रों को, भैया 70 की बजाय तू 60 में ही उठा ले, लेकिन तंदुरुस्त आदमी को उठा। बीमार करके महीनों सालों बेड पे पड़ा रहे, हैं वो इतने दुख दे करके किसी को मत उठाना। हाँ ये सही। 10 साल काट ले, 5 साल काट ले, हैं स्वस्थ आदमी को ही उठाओ। और जितना जीवन है उसको किसी न किसी काम में लगाओ। जैसे कि अभी एक प्रश्न आया था कि समय के बारे में, तो समय का सदुपयोग करो, जी सर, टाइम पास मत करो, टाइम का सदुपयोग करो। क्योंकि टाइम जो है सब आदमियों के पास 24 घंटे का है, उसको मैनेज करना आपके हाथ में हो, और उसमें किन किन कामों को आपने ऐड करना है वो आपके हाथ में है, जो सबके लिए फलीभूत हो, अच्छे लगे सबको। क्योंकि एक बात याद आती है, देखी हुई, एक पेड़ के नीचे कोई सन्यासी बैठा था, सामने से जो रास्ता जा रहा था वो शमशान घाट को जाता था। तो थोड़ी देर में ही क्या है कि उसको नींद आ गई, और उधर से थोड़ी देर बाद एक शव यात्रा निकली, उनकी आवाज सुनकर के उठ के बैठ गया, प्रणाम किया। जी सर, और इधर एक और व्यक्ति पास में बैठा हुआ था, उसने जोर से बोला, कहता कि ये तो गया नरक में। उसने कहा, यार सन्यासी मैं हूं, मैं तो अभी जोड़ तोड़ ही कर रहा था कि ये नरक में जा रहा है कि स्वर्ग में गया है, और तूने पलक झपकते ही बता दिया। कैसे बता दिया? कहते इसके पीछे आदमी देखो कितने हैं, 7 8, तो ये तो नरक में गया। अगर इसने कुछ दुनिया में किया होता तो इसके पीछे भी कुछ और आदमी होते। वो और आदमी होते बेचारा हैं। चिंता में फिर बैठ गया, नींद आ गई। थोड़ी देर बाद फिर एक और यात्रा आ गई, उसमें भी फिर जाग गया आवाज सुन के। अब उसके बारे में वो जोड़ तोड़ कर ही रहा था, सोच विचार गुणा भाग कर रहा था, इतने में वो जो पास में बैठा आदमी था वो कहता है, ये गया स्वर्ग में। कहता है, तेरे को क्या पता? कहता, भीड़ देखो कितनी है पीछे, इसने लोगों के लिए कुछ किया होगा। तो हमें अपने आप को अंतिम यात्रा के लिए तैयारी रखनी है। अब इन दोनों जो दृश्य आपको दिखाए हैं, इन दृश्यों को देखते हुए अगर हम चलेंगे तो जी निश्चित रूप से क्या है कि हमारे से अगर कुछ गलतियां भी होगी ना, तो वो भी सर, सुंदर होंगी। गलतियां गलत जैसी गलतियां नहीं होंगी, लगेंगी लोगों को। अब इसमें लगता होगा कईयों को, इसमें भी बहुत ही कुछ गलतियां हुई होंगी। मैं ये नहीं कहता कि ये दूध की धुली हुई पुस्तक है, जब पढ़ेंगे तब पता लगता है ना। सर और ये भी हो लिखता ना सकता है सर। कि जितने लोगों जवाब दिए हैं हाँ सर, उससे ज्यादा जवाब आप लोग खोज कर लेकर के आए, यही मेरी मेहनत का प्रतिफल है। जी जी सर, थैंक यू सर। सर बहुत बहुत आप धन्यवाद आपने, और मैं आपके मंच के लिए शुभकामना संदेश देना चाहूंगा, और जितने भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सब से मेरा एक निवेदन रहेगा कि वो और नए और पुराने उन रचनाकारों को भी इसमें जोड़ें, ताकि इस मंच की जो है सफलता दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े। ये भी सवाल है कि दिन दुगनी रात में चौगुनी क्यों हो जाती है नौरी जी? जी सर, ये भी सवाल पूछा है किसी ने दिन कि दुगनी और रात चौगुनी। सफलता जो है वो दिन में दुगनी और रात में चौगुनी, ऐसा क्यों कहते हैं? तो रात के अंदर सपने भी तो जुड़ जाते हैं ना, चार गुना हो गया ना। जी
डबल हो गई। तो इस तरीके से आप भी 4 गुनी तरक्की करें, 8 गुनी करें और सब लोगों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जी सर, आपने मेरे को जोड़ा, आप सबको जोड़िए, सब सबको जोड़े, यही शुभकामनाएं है। विश्व हिंदी सरिजन सागर साहब, आप आए और हमें आशीर्वाद दिया और अपने पुस्तक के बारे में भी, साथ में हमारे भी प्रश्न थे उनका भी जवाब दिया। इसके लिए मन से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता है। बहुत बहुत आभार आपका। आप इसी प्रकार हमारे बीच आते रहें और हमें अनुग्रहित आप, करते रहें लाभ। हाँ जी, और भी काम कर सकते हैं आप मेघ सेतु जी। कभी कभी कोई 10-15 मिनट का अटपटे सवाल चटपटे जवाब का प्रोग्राम रख लो, 15 मिनट का छोटा सा प्रोग्राम रख लो वीकली, तो उसमें आप सवाल मेरे से पूछ लिया करो और मैं जवाब दे दिया करूंगा। जी सर, आप अपने जितने भी आपके मंच से जुड़े हुए लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सब साहित्यकार ही पूछे, साहित्यकार भी दर्शक भी पूछ सकते हैं उसमें, कोई भी वो नोट करके प्रश्न आप भेज दिया करो, मैं उनके जवाब दे दिया करूंगा। तो ये इस तरीके का आप एक आयोजन और कर सकते हैं जिसमें जो साहित्यकार नहीं है, आपके सिर्फ दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको भी एक काम मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, एक नया प्रयोग है ये भी। हाँ सर, बिल्कुल 15 मिनट का रखो, लंबा प्रोग्राम मत रखो, छोटे का रखो। हाँ सही है, इस पर जरूर विचार करेंगे आदरणीय जी। जी मैं सर पहली बार आपके साथ में संचालन का काम किया, आप तो इतने बड़े मान व्यक्ति हो, मैं तो आपका एज ए स्टूडेंट हूँ, फिर भी कोशिश की सर साथ बैठने की, गलती हुई है तो इसके लिए। हाँ, अपनी बातचीत में इसका उत्तर हो चुका है, वो इस तरीके से दिया जा चुका है। मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि हम कुछ भी कहीं से सीख के नहीं आते, जो कुछ सीखना है वो यहीं से ही सीखते हैं, करते रहिए सीखते चले जाएंगे। जी सर, ये मत सोचिए कि इसमें कुछ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, करते जाइए, लोग अपने आप बता देंगे कि यहाँ गलत हुआ है कि यहाँ सही हुआ है, और खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ा जज बैठा रहता है, वो बता देगा आपको सारा कुछ। कोई लंबी चौड़ी अच्छा कोई कहानी नहीं होती है अच्छा। इसकी, आपको खुद को महसूस होगा कार्यक्रम खत्म करने के बाद कि कहाँ मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, कहाँ बोलना चाहिए था। जब इस प्रोग्राम को दोबारा देखेंगे आप शांति से, जी सर, सब पता लग जाएगा, क्योंकि अपने आप से बड़ा जज कोई नहीं होता। जी जी सर, मैं आप दोनों को वंदन करता हूँ और शुभ रात्रि कहता हूँ, और मंच पर जुड़ने वाले सभी साथियों को मैं अभिनंदन करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम को देखा, डॉक्टर साहब और सियासत साहब को मैं वंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं सर। आपको फिर मिलेंगे कभी। शुभ रात्रि सर। धन्यवाद।